अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आज़ब आफ्ताब है और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ माहिर अमराज गुर्दा। आज हम बात करेंगे शुगर के ऊपर। शुगर बहुत पुरानी बीमारी है लेकिन वक्तन फवक्तन हमारी आबादी में बहुत तेजी से फैल रही है। शुगर की जितनी तेज रफ्तार से फैलाव हो रहा है उसी रफ्तार से शुगर के बेकाबू होने की वजह से लोगों के गुर्दों पे भी असर आ रहा है। पर मसला क्या है? मसला ये कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। हम तो ये समझते हैं खाली लोगों को नहीं, डॉक्टर्स को भी इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि उनको किस वक्त शुगर के पेशेंट को एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दे के स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए। देखिए, अगर आपकी शुगर बेकाबू हो रही है यानी कि फास्टिंग शुगर आपकी 150 से ऊपर है और रैंडम शुगर 200 से ऊपर है और आपका HbA1c जो कि 3 महीने की शुगर का टेस्ट है वो 7 से ऊपर आ रहा है और मुसलसल इसी तरह से आया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर बेकाबू है। और अगर इस शुगर को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तो मेरा मशवरा होगा आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट से डेफिनेटली मुलाकात करके अपने गुर्दे के स्टेटस को चेक कराना चाहिए कि गुर्दे में तो कहीं शुगर नहीं फैल गई, क्योंकि अगर शुगर को हम वक्त से पकड़ लें और वक्त से काबू कर लें तो हम गुर्दों को बचा सकते हैं। मेरा मशवरा होगा अगर आपको शुगर है और आपकी शुगर काबू में नहीं आ रही है या आपके शुगर के और गुर्दे के टेस्ट पिछले 3 माह से नहीं हुए हैं तो आप अल खलीज हॉस्पिटल में हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके गुर्दों की हिफाजत कर सकें। थैंक यू।